लेक्चर नंबर 6 में नोट्स देखने वाले हैं सॉकेट और इसके टाइप्स के बारे में। तो लास्ट हमने देखा था कि प्रोटोकॉल्स क्या है और OSI मॉडल जो है और उसके 7 लेयर जो है हमने पढ़े थे और आपने नोट्स जो है वो देखे थे। तो अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि सॉकेट क्या है। तो सॉकेट बेसिकली जो है, सॉकेट इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज अ एंड पॉइंट एस्टेब्लिशिंग अ बाई डायरेक्शनल नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन अ सर्वर साइड एंड अ क्लाइंट साइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर, अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसको हम ले लेते हैं सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के तौर पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब दो कंप्यूटर आपस में अगर कनेक्ट होते हैं तो जिस पोर्ट से वो कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लगे होते हैं सॉकेट्स, जिससे क्या होता है TCP प्रोटोकॉल को आसानी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे एप्लीकेशन को कि किसको हमने, किस टारगेट सिस्टम को हमने डेटा जो है वो सेंड करना है। तो अब एंड पॉइंट इस कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। और अब बात यह है कि एवरी TCP कनेक्शन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स 2 एंड पॉइंट्स। तो अब दो कंप्यूटर हैं, उनमें जो कनेक्शन है तो दूसरे के एंड्स पे जो है वो क्या लगा होता है, सॉकेट लगा होता है। तो अब बात कर लेते हैं यूनिक्स के बारे में कि यूनिक्स में क्या होता है। यूनिक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या है, अ सॉकेट कैन आल्सो बी रेफर्ड एज एंड पॉइंट फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो IPC है उसके बारे में मैं आपको जो है एक और लेक्चर बताऊँगा, वहाँ पर लेक्चर बनाऊंगा, वहाँ पे आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा IPC के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स जो हैं, जो टाइप्स जो हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉकेट अवेलेबल टू द यूज़र। द फर्स्ट 2 आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द लास्ट 2 आर रेयरली यूज। जो फर्स्ट 2 हैं, मतलब 4 टाइप्स हैं, तो जो पहले 2 हैं वो हमारे पास कॉमनली यूज़ होते हैं और लास्ट जो 2 हैं वो रेयरली यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम सॉकेट क्या है। तो डिलीवरी इन नेटवर्क इन्वायरमेंट इज़ गारंटीड। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इफ़ यू सेंड थ्रू द स्ट्रीम सॉकेट 3 आइटम्स ABC, सो दे विल अराइव एट द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब आपने एक जो है क्लाइंट ने भेजा है, सर्वर साइड ने बेसिकली भेजा ABC, ठीक है, फॉर्मेट भेजा। तो अब जो क्लाइंट साइड है तो उसको ABC है, मतलब उसी फॉर्मेट में जो है वो मिलेगा। दिस सॉकेट यूज TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इफ डिलीवरी इज इम्पॉसिबल द सेंडर रिसीव एन एरर इंडिकेटर। तो अब यहाँ पे क्या है, TCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, मतलब आपकी जो अपने जो डेटा जो है भेजा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी। तो अगर डेटा में कोई भी जो है अनप्रोटेक्टेड चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे जो रिसीवर होगा तो उसको एक इंडिकेटर मिलेगा, मतलब इंडिकेट करेगा एक एरर मैसेज कि डेटा जो है आपको सेंड नहीं हुआ। तो डेटा फुली जो है आपको सेंड नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको ABC मिलेगा और C आपको नहीं मिलेगा, इस तरह नहीं होगा। तो स्ट्रीम सॉकेट बेसिकली ये है। अब डेटा रिकॉर्ड डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। तो अब बात कर लेते हैं कि डेटाग्राम सॉकेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो डिलीवरी इन नेटवर्क इन्वायरमेंट इज़ नॉट गारंटीड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको मैसेज भेजा तो वो मैसेज आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मगर यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन लेस पॉइंट्स जो है वो होते हैं, कनेक्शन लेस जो आपके पास कम्युनिकेशन होती है वो कनेक्शन लेस होती है, आपके पास कोई केबल के थ्रू जो है कनेक्शन नहीं होती। दे आर कनेक्शन लेस बिकॉज यू डोंट नीड टू हैव एन ओपन कनेक्शन एज इन स्ट्रीम सॉकेट्स। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि यू बिल्ट पैकेट विद द डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट आउट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो आपने, मैंने सॉकेट्स जो मैंने आपको डेटा भेजा हुआ है तो वो डेटा मुख्तलिफ राउटर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, इंडिविजुअली वो जो है आपको पहुँचेगा। मिसाल के तौर पे आपको मैंने मैसेज भेजा, अब वो मैसेज कोई भी राउट जो है वो अपना सकता है। अगर मैंने कैलिफोर्निया में या अमेरिका में किसी बंदे को मैसेज भेजा है तो वो राउटर, वो जो मैसेज मैंने भेजा है वो मुख्तलिफ राउट्स जो है वो अपना सकता है और उस डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। अब उस मैसेज ने अगर एक राउट अपनाया है और वो राउट जो है वो फेल हो गया तो मैसेज उसको नहीं मिलेगा, अगर नहीं फेल होता तो मैसेज उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात है कि डिलीवरी इन नेटवर्क एनवायरनमेंट इज़ नॉट गारंटीड, गारंटी जो है वो नहीं देगा। तो कभी अगर मतलब राउटर जो है वो फेल नहीं हुआ तो जाएगा, अगर नहीं हुआ
तो मैसेज जो है अगर राउटर फेल हुआ तो मैसेज नहीं जाएगा. तो सिंपल सी बात है कि सॉकेट इज़ इंडिविजुअली राउटेड एंड डिलीवर्ड. ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ब्रॉडकास्ट मैसेजेस. तो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो है हम जो है ले सकते हैं सेट डेटाग्राम सॉकेट से. जैसा कि हमारे पास टीवी जो है, टीवी पे जो हमारे पास चैनल्स है, तो जो बंदे सेंड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो अब यहाँ पे बहुत से लोगों के पास टीवी सिग्नल जो है वो आते हैं, बहुत से लोगों के पास नहीं आते. तो क्या हुआ, गारंटी नहीं दे सकते. तो क्या हुआ यहाँ पे, दे यूज़ यूटीपी, यूज़ डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, जो कि गारंटीड नहीं. जी गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रा सॉकेट्स जो हैं वो क्या होते हैं. तो रा सॉकेट्स जो है वो बेसिकली क्या है, दिस प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू अंडरलाइन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच सपोर्ट सॉकेट एब्स्ट्रैक्शन. तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि रा सॉकेट जो है वो नॉट इंटेंडेड फॉर जनरल पर्पज़. मतलब ये एक स्पेसिफिक यूज़र जो है, वो यूज़र्स जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इन्वेंशंस करना चाहते हैं, वो लोग जो है इस रा सॉकेट को यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल से उसको बाईपास किया जाता है और क्या अपनाया जाता है, इथरनेट लायर जो है उसको अपनाया जाता है, और उसके थ्रू जो है वो मैसेज मतलब ट्रांसमिट किया जाता है और काम किया जाता है. अब क्या है, दीज सॉकेट्स आर नॉर्मली डेटाग्राम ओरिएंटेड, दो देयर एग्जैक्ट करेक्टरिस्टिक आर डिपेंड ऑन द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द प्रोटोकॉल. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा जो है कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, तो वो TCP जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं, उस प्रोटोकॉल्स को जो है वो जो बाईपास करते हैं और इथरनेट लायर जो है उसको अपनाते हैं, उसके थ्रू जो है वो काम करते हैं. तो अब क्या है, रा सॉकेट्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर द जनरल यूज़र, दे हैव बीन प्रोवाइडेड मेनली फॉर दोज हु इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग न्यू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और गेनिंग एक्सेस फॉर सम मोर क्रिप्टिक फैसिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल. तो सिंपल सी बात है कि रॉ सॉकेट जो है वो क्या करते हैं, वो उस पे हमारे पास लोग इन्वेंशंस करते हैं, उसको रेयरली जो है वो यूज़ किया जाता है. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सीक्वेंस पैकेट सॉकेट्स के बारे में. तो इट इज़ अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल सिमिलर टू TCP प्रोटोकॉल या TCP/IP प्रोटोकॉल. ये भी क्या है, ये सीक्वेंस पैकेट सॉकेट जो है ये भी एक प्रोटोकॉल है, किसकी तरह, TCP प्रोटोकॉल या TCP/IP की तरह, बट इट इज़ डेटाग्राम रादर देन स्ट्रीम प्रोटोकॉल. अब इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन होगी वो गारंटीड होगी, वो हमारे पास रिलायबल होगी, फ्लो कंट्रोल्ड यहाँ पे होगा, टू वे कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिलायबिलिटी होगी, यहाँ पे गारंटीड होगी. ठीक है, जो आपके पास कम्युनिकेशन होगी एक जगह से दूसरी जगह, क्लाइंट या सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज को सेंड और रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा, तो यहाँ पे गारंटी होगी आपके मैसेज की के वो पहुँचेगा. इस्टेब्लिशिंग लो लेटेंसी एंड लो टॉलरेंस कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन. तो जो भी जहाँ मतलब आपके पास जो कनेक्शन है वो अगर लो लेटेंसी या लो टॉलरेंस भी है, तो तब भी जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बरकरार रखेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस्ड पैकेट सॉकेट जो है वो यहाँ पे काम करता है. तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मल्टीप्लेक्सिंग है और डीमल्टीप्लेक्सिंग है, तो वो हमारे पास यूनिक्स में किस तरह होते हैं और क्या करते हैं. तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़.